हमारा मेन कैरेक्टर बिजनेस की वजह से जापान में जाता है और वहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की उसे देखी। उसका उस लड़की के साथ अफेयर हमेशा उसे बार बार वहीं जाने के लिए मजबूर करता है। क्या आगे आने वाले डेंजर से वो बच पाएगा, या हम आज की हमारी मूवी सिल्क 2007 की एक हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की के बारे में हमें बता रहा था। वो हमेशा उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है, पर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी इसके बारे में अब वो हमें बताएगा। हार्वे मिलिट्री में सर्व कर रहा था। जब वो घर पर आया तो उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की को देखा जिसका नाम था हेलेन। इन दोनों में प्यार हो गया था। वो हमेशा से चाहती थी कि उसका खुद का भी एक गार्डन हो। हार्वे तो हेलेन के पास ही रहना चाहता था, पर उसके फादर उसे वॉर के लिए भेज रहे थे। इस सिचुएशन से बचने के लिए एक बिजनेसमैन ने उसे हेल्प किए। इसका नाम था बाल्डबो। बाल्डबो हार्वे के फादर को एक सिल्क का कपड़ा दिखाता है। वो कहता है कि ये सेल करने से हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसे इस टाउन में एक फैक्ट्री बिल्ड करनी थी। वो कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हार्वे के फादर भी इस बात के लिए मान जाते हैं। इस बार तो हार्वे को फिर से सर्व करने के लिए जाना पड़ा, पर जब तक वो वापस आया तब तक बाल्डबो के बहुत सारे फैक्ट्रीज बन गए थे। सिल्क इतना अच्छा बिक रहा था तो सारे लोग रिच बनने लग गए थे। हार्वे जब वापस आता है तो हेलेन से उसने शादी करने के लिए पूछा। हेलेन भी इसके लिए हाँ कहती है। जब हार्वे को पता चला कि उसे फिर से वापस जाना पड़ेगा तो बात सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। एक दिन बाल्डबो ने हार्वे को उससे मिलने के लिए बुलाया। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, तुम्हें अफ्रीका जाना होगा और वहां से सिल्क वॉर्म लेकर आने होंगे। इनके पास सिल्क वॉर्म तो थे, पर बीमारी की वजह से वो मर रहे थे। हार्वे ने कहा कि मेरे छुट्टी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मैं काम नहीं कर सकता। बाल्डबो कहता है तुम्हारे फादर को मैं समझाऊंगा। वो हार्वे के फादर को समझा लेता है। उसके बाद हम डायरेक्टली हार्वे और हेलेन की शादी देखते हैं। हार्वे अब हमेशा के लिए बाल्डबो के लिए काम करने वाला था। हेलेन को हार्वे का दूर जाना है अच्छा नहीं लगता, पर आर्मी में सर्व करने से तो अच्छा था, तो इस वजह से उसे जाने देती है। हार्वे इजिप्ट जाकर आया और वहां से वो एग्स लेकर आता है। वापस आने के बाद हेलेन और वो इंटीमेट होते हैं। हेलेन ने कहा मुझे एक बेबी चाहिए। ये दोनों इस बात से बहुत खुश थे। बाल्डबो ने फिर से हार्वे को बुलाया। वो कहता है जो एग्स तुमने लाए हुए थे वो 1.5 मिले। जो बीमारी यहाँ पर थी वही बीमारी इजिप्ट तक भी पहुंच गई थी। मैंने सुना है कि जापानीज लोगों के पास एक टेक्निक है, उस वजह से एग्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। वो अब चाहता था कि हार्वे जापान में जाए। जापान में जाने के लिए उनके पास पूरा मैप भी नहीं था और ये बहुत ही डेंजरस भी होगा। हार्वे के फादर को मनाना मुश्किल था, पर बाल्डबो उन्हें सब कुछ समझा ही देता है कि वहाँ का सिल्क एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा। रात में हार्वे हेलेन से बात करता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। हेलेन कहती कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को रोकना नहीं चाहती, अगर इससे सबका फायदा होगा तुम्हें जाना चाहिए। उसकी परमिशन लेकर फिर हार्वे निकल पड़ता है। वो रशिया से होकर स्लोली स्लोली अलग अलग प्लेसेस घूमकर जापान तक पहुंच जाता है। जापान में बाल्डबो के एक आदमी से वो मिला। सिल्क वॉर्म बेचने वाले मर्चेंट से वो बात करता है। उन्होंने उसे एग्स दिखाए, पर हार्वे समझ गया कि एग्स फेक है। उन्हें रियल गोल्ड की जगह फेक गोल्ड दे देता है। इसके बाद अगले दिन वो उसे एक दूसरे आदमी के पास लेकर जाते हैं। वो जब उसका वेट कर रहा था तो हार्वे ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जापानीज लड़की को देखा। उसे देखता ही रह जाता है। वो उसके लिए टी बना रही थी जो बहुत ही मेजमराइजिंग था। थोड़ी देर में वो आदमी जिसका नाम है हारा उसे मिलने के लिए आता है। हार्वे कहता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ। हारा कहता है ये तो तुम्हारा काम है, पर तुम एक्चुअल में कौन हो? हार्वे ने अपने बारे में सब कुछ बताया, पर वो कहता है इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। हारा इससे इम्प्रेस्ड हो गया। उसे कहता है हमें पता है कि तुमने फेक गोल्ड हमें दिया था। हार्वे ने कहा कि वो एग्स भी फेक थे। जब तुम मुझे एक्चुअल एग दोगे और इसके बाद मैं जापान से बाहर निकलूंगा, उसी के बाद मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, ये मेरा वादा है। ये जब बात चल रही थी तो लड़की हारा के पास आकर सो गई। इनकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद हार्वे फिर से वापस आ जाता है। एग्स बहुत ही अच्छे थे और बाल्डबो इससे बहुत ही खुश हो गया था। हेलेन और हार्वे भी बहुत खुश थे। अगले दिन हार्वे हेलेन को एक जगह पर लेकर जाता है। कहता है ये तुम्हारी गार्डन है, ये जो घर देख रही हो अब हम यहीं पर रहेंगे। मेरी ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल थी और बाल्डबो ने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए हैं। इस सब से हेलेन भी बहुत खुश हो गई। अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए दोनों रेडी थे। अब बहुत दिन हो चुके थे पर हेलेन प्रेग्नेंट हो नहीं रही थी। हेलेन की एक फ्रेंड को बेटा हुआ था और अब वो बड़ा भी होने लग गया था। ये घर हेलेन के लिए बहुत ही बड़ा था, तो हेलेन कहती है मैं मेरी फ्रेंड को यहाँ पर काम पर लगा सकती हूँ, यानी कि उसके बेटे के साथ वो और भी ज़रा टाइम स्पेंड कर सके। हार्वे को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। हेलेन खुद एक टीचर थी, उस वजह से उसे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। थोड़ा टाइम गुजर जाता है और एक दिन बाल्डबो फिर से हार्वे से मिलने के लिए आया। उसे कहता है अब इस बार का डिसीजन ज़रा टफ होगा। जापान में हालत खराब हो चुकी है और वहाँ पर जाना सेफ नहीं होगा,
पर ये डिसीजन तुम्हें लेना है। हार्वे जाने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे फिर से उस जापानीज लड़की को देखना था। इस बार जब वो जापान गया तो लोग उसे पहचान रहे थे, तो ज्यादा तकलीफ उसे नहीं होती। वो एक विलेज पहुंचा जहां पर हारा को आने के लिए जरा टाइम था, तो दो तीन दिनों में हार्वे उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। एक छोटे से लड़के से उसने हेल्प भी ली थी। हारा के आने के बाद इनकी डील होती है। रात में हार्वे जब नहा रहा था तो लड़की पीछे से उसके पास आके वो अपने हाथों से उसे नहला देती है। एक चिट्ठी उसके हाथ में देकर वहां से वो चली गई। रात में हार्वे से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो एक डच मर्चेंट था। वो जापनी समझ सकता था तो हार्वे को गाइड करेगा। उसने कहा कि तुम हारा को इतने अच्छे पैसे दे रहे हो, इसी वजह से वो तुम्हारी खातिरदारी कर रहा है। ये सब कुछ सिर्फ एक बिजनेस है। डिनर के वक्त सब लोगों की मीटिंग चल रही थी। जापान पर हमला होने वाला था तो इसी के बारे में वो बात कर रहे थे। डच मर्चेंट ने हार्वे से कहा, जल्दी से तुम्हारी ट्रेड कंप्लीट कर यहाँ से चले जाओ, वरना हालात बहुत खराब हो जाएंगे। डिनर के वक्त भी वो लड़की और हार्वे एक दूसरे को ही देख रहे थे। हार्वे यहाँ से भाग सकता है तो हारा ने उसे यही रोकने के लिए उसके पास एक लड़की भेजी। हारा जिस लड़की से प्यार करता है वही लड़की उस दूसरी लड़की को लेकर आई थी। उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में दे देती है और बाहर ही रोकी। वो लड़की हार्वे के साथ इंटीमेट होने लग गई। ये सब रियलाइज कर बाहर वो बहुत रोती है। उस रात के बाद हार्वे ने सुबह उसे ढूंढने की कोशिश की। वो लेक में उसे नहाते हुए देखता है। उस दिन के बाद वो हार्वे को कहीं भी नहीं दिखी। डच मर्चेंट ने हार्वे को डेंजर के बारे में बताया हुआ था, तो इस वजह से हारा उसे मार देता है। मर्चेंट का टूटा हुआ चश्मा हार्वे को मिला। इसके बाद वो जल्दी से यहाँ से चला जाता है। जापान में जो भी हुआ इसके बाद हार्वे पूरी तरीके से टूट चुका था। वो सब कुछ चीजें हेलेन को बताना चाहता था पर कभी भी बोल नहीं पाता। ये प्रेग्नेंट हो नहीं रहे थे तो हेलेन इस वजह से सैड रहने लग गई। एक दिन हार्वे ने उस लड़की के बारे में हेलेन को बताया। उसने कहा कि वो लड़की जापानीज नहीं थी तो एक्चुअल में चाइनीज थी। एक दिन टी बनाते हुए उससे कुछ एक्सीडेंट हुआ और इसी वजह से उसे पता चला कि वर्म से सिल्क भी बन सकता है। हेलेन समझ गई थी कि हार्वे अब उसी लड़की से प्यार करता है। उस लड़की ने हार्वे को जो नोट दिया था यो पढ़ना चाहता था, तो इसे लेकर वो बाल्डोबाव के पास आया। उसने कहा कि तुम किसी ना किसी को तो जानते ही होंगे। बाल्डोबाव कहता है कि एक मैडम है जो एक ब्रॉथल चलाती है, उसका नाम है प्लांच। उसके पास जाकर ये तुम रीड कर सकते हो। उसे रीड करके बताती है और इसमें लिखा था कि जल्दी वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। वो लड़की भी हार्वे से बहुत प्यार करती थी। ब्लांच उसे कहती कि तुम्हें उस लड़की के बारे में भूल जाना चाहिए, तुम्हें पता है कि वो नहीं मरेगी। हार्वे इन सब बातों को सुनने वाला नहीं था। वो फिर से बाल्डोबाव के पास गया और कहता है कि मैं फिर से जापान जाना चाहता हूँ। बाल्डोबाव ने कहा कि अब हमारे पास एक आदमी है जिसे पता होता है कौन से एक अच्छे है और कौन से एक बुरे है। हम पास की कंट्री से भी एक ला सकते हैं और हमारे बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हार्वे ने कहा कि कुछ भी हो मैं फिर से जापान जाना ही चाहता हूँ, अगर तुम्हें नहीं तो किसी और को मैं एक सेल कर दूंगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। इस बार जापान में वॉर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, वहां पर जाना खुदकुशी के बराबर था। हार्वे के फादर मान नहीं रहे थे पर फिर से एक बार बाल्डोबाव ने उन्हें समझा दिया। हेलेन की बात भी हार्वे मानता नहीं तो हेलेन बाल्डोबाव के पास आए। उसे पूछती है क्या हार्वे को हम रोक सकते हैं, अब कुछ ना कुछ तो वे होगा ही। बाल्डोबाव कहता है कि उसने ठान लिया है अब हम उसे नहीं रोक सकते। वो जब फिर से जापानीज विलेज में गया तो पूरी तरीके से जल चुका था। हार्वे एक लड़के को जानता था तो उसने उसे फिर से ढूंढ लिया। वो कहता है कि मुझे हारा की लोकेशन चाहिए। वो लड़का उसे एक मैप बना देता है पर हार्वे ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। दूर से फिर उस लड़के ने जहाँ पर हारा ट्रैवल कर रहा था इसकी लोकेशन उसे बता दी। हार्वे उस लड़के को पैसे देता है और एज अ गिफ्ट एक दूरबीन भी उसने उसे दे दी। पर इसी दूरबीन में उस लड़के ने हार्वे को जो मैसेज भेजा था ये मैसेज भी था। नेक्स्ट दिन में हार्वे हारा से मिलता है। हारे ने कहा कि यहाँ पर वॉर चल रही है, हम तुम्हें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। रात भर हार्वे यही पर रुका। सुबह हुई तो उसने देखा जिस छोटे लड़के ने उसे हेल्प की थी उसे टांग दिया गया था। हारा को उस लड़के के पास वो चिट्ठी मिल गई थी। उसे भी पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड हार्वे से प्यार करती है, इसी वजह से उसने उस लड़के को मार डाला। यहाँ से जाने के लिए हार्वे को लास्ट वार्निंग देता है। हार्वे को उससे एग्स नहीं मिले थे तो किसी और जगह से उसने एग्स लिए और वह जल्दी से फिर से अपनी कंट्री में आ गया। पर तब तक समर स्टार्ट हो गया था, एग्स हैच हो गए थे और सब वॉर्म्स मर चुकी थी। हार्वे आजकल पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो गया था। एग्स ना मिलने की वजह से उनकी मिल्स भी बंद होने लग गई थी। एक दिन बाल्डोबाव आकर हार्वे से बात करता है, कहता है कि तुम्हारे साथ जापान में जो भी हुआ इसके बारे में तुम्हें किसी ना किसी से तो बात करनी चाहिए। हार्वे ने कहा कि ये जरूरी नहीं है, मैंने एग्स नहीं लाया और इस वजह से अब हमारे पास पैसे भी नहीं है। विंटर में हम स्टार्व करेंगे,
हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। वालोवाओ के पास कुछ भी आइडिया नहीं था, तो हार्वी कहता है इस गार्डन में हम प्लांटिंग करेंगे, इससे हमारे पास फूड होगा और सब लोगों को काम मिलेगा। इनका विंटर बहुत अच्छे से गुजर गया। एक दिन हार्वी को जापान से एक चिट्ठी आती है। ये चिट्ठी लेकर वो फिर से ब्लांच के पास पहुंचा। ब्लांच उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि फिर से उस लड़की के बारे में सोचना मत, ये लास्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर दूंगी। इस चिट्ठी में लिखा था कि वो लड़की और हार्वे अगर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं तो ये कैसा होता। इसे डिस्क्राइब करने के बाद वो लड़की लिखती है ये जो हमारे पास मूवमेंट है यही मूवमेंट इम्पोर्टेंट था, हम कितना भी एक दूसरे के पास रहे पर फिर भी इनफ नहीं होगा, इसे हमारी लास्ट मुलाकात समझ कर हमेशा मुझे भूल जाओ। इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर जाता है। फ्रांस और जापान के बीच में एक चिट्ठी हुई थी, इस वजह से वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। हार्वे फिर से कभी भी उस लड़की से मिलने के लिए नहीं गया। साल बीतते गए पर हेलन प्रेग्नेंट नहीं हुई। उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, अपने फ्रेंड के बेटे को ही अपना बेटा वो मानती है। अपनी रियलिटी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। हार्वे को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, पर उनकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं चली। एक दिन हेलन अचानक से चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया पर उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। एक दिन हेलेन अपने फ्रेंड के बेटे से बात करती है, कहती है मेरे जाने के बाद हार्वे बहुत ही अकेला हो जाएगा, उसका तुम ख्याल रख। हेलेन हार्वे से कहती है कि जब तुमने फर्स्ट टाइम मुझे लैंड दिखाई थी तो कहा था कि हम दोनों यहीं पर ओल्ड होंगे, अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस बात से वो बहुत रोते हैं। हेलेन की फिर डेथ हो गई थी। बाल्डेबाव हमेशा एक ही हाथ से गेम खेलता था, एक स्पेसिफिक शॉट था जो लेना चाहता था। फाइनली वो लेने में वो सक्सीड हो गया। उसने डिसाइड किया था कि जिस दिन वो सक्सीड होगा उस दिन वो सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, और वो एक्चुअल में हार्वे से अलविदा लेकर वहां से चला जाता है। हार्वे फिर से ब्लांच से मिलने के लिए आया और उसे पता चलता है ब्लांच अब पेरिस में है। पेरिस में जाकर हर जगह पर उसने उसे ढूंढा, फाइनली उसे मिल के उसे पूछता है क्या वो लेटर तुमने लिखा था। ब्लांच कहती को लेटर मैंने नहीं तो हेलेन ने लिखा था। जब वो सब कुछ चीज़ें मुझे बता रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसका आवाज़ में कभी भी भूल नहीं सकती। हमेशा तुम उस दूसरी लड़की से प्यार करते रहे पर हेलेन चाहती थी कि हमेशा के लिए तुम उससे प्यार करो। हार्वे बहुत पछता है, कहता है एक्चुअल प्यार तो मैंने हेलेन से किया था। अपने हर सफर में वो हेलेन को याद करता रहता था। हेलेन के फ्रेंड का लड़का हमेशा हार्वे से बात करता है, उसे अकेला महसूस होने नहीं देता। ये जो सारी स्टोरी थी ये हार्वे ने उसे ही बताई थी। मरने से पहले हेलेन ने हार्वे को एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा था हमने जो मोमेंट्स एक साथ बिताए ये हमारे लिए इनफ थे, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम हमेशा मुझे महसूस करते रहोगे। फाइनली हार्वे उस जापान के लेक में हेलेन को इमेजिन करता है। उसने फिर से उसे प्यार तो किया पर शायद बहुत ही लेट हो चुका था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें बताकर जाती है कि गलत डिसीजन की वजह से रिग्रेट कैसे होते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।